पानी इज गुड फूड। मैंने गैस ऑन करके पहले से पैन गरम रखा है। एक भरकर कप नारियल का बुरादा लूंगी मैं। ये सूखा नारियल है, इसको अच्छे से भून लेंगे। आज हम भुने हुए सूखे नारियल की बर्फी बनाएंगे। ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं नारियल के बुरादे का कलर कैसे चेंज हो गया है। बस इतना काफी है, इसे दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने दूसरी कढ़ाई गरम रखी है। 1/4 चम्मच गुड़ डालूंगी, हाफ चम्मच चीनी डालूंगी, 1/4 चम्मच फिर से चीनी डालूंगी। मतलब जितना नारियल का बुरादा था मैंने उतनी चीनी और गुड़ डाला है। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इसको पिघला लेंगे। वैसे चम्मच ना चलाएं तो सही ढंग से पिघलती है चीनी। गुड़ है इसलिए मैं चम्मच चला रही हूं। चीनी और गुड़ मिक्स हो गए हैं। अब 1/4 कप पानी डालूंगी। अब इसकी हम चाशनी बना लेंगे। गैस का फ्लेम पूरी तरह से कम कर लेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी बन गई है, काफी गर्म होती है। आप देख सकते हैं कितने तार बंधे जा रहे हैं, ये परफेक्ट है। गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर लेंगे। एक चुटकी नमक, 2 चुटकी खाने का सोडा ऐड करेंगे। चम्मच चलाएंगे। ये जो हमने नारियल भुना था वो डालेंगे। गैस का फ्लेम कम है, जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर करना। और ऐसे मीठे मीठे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने अभी गैस ऑन रखा है 1 मिनट के लिए। मैं ये प्लेट को तेल लगा रही हूं। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं। और आप ये पहले करके रख लेना, मैं भूल गई थी। प्लेट में निकाल लेंगे, काफी गर्म होता है, आराम से कर लेना। इसे फैला लेंगे। दो 3 मिनट के बाद इसकी बर्फी काटेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पिज्जा कटर से मैं इसके स्क्वायर टाइप के पीसेस काट लूंगी, छोटे छोटे। जिनको भुना हुआ खोपरा खाना पसंद है ना, ये तो उनको बहुत पसंद आएगी। अभी थोड़ा सा गर्म है ये, आप देख सकते हैं बर्फी कितनी अच्छी निकली है। खाने में भी बहुत टेस्टी है। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।